वेलकम टू आर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल में अपलोड करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और ये जो 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू जो सीरीज है, इसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक साथ अगर हम 1000 क्वेश्चन कवरअप करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, साथ में जो है बोरिंग भी हो जाएगा, तो आप फोकस जो है यहाँ पे अच्छा से बना नहीं पाएंगे। इस वजह से 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हर पार्ट में 100 क्वेश्चन कवरअप किया है। कोशिश ये रहना चाहिए आपका, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो पूरा 100 के 100 क्वेश्चन अच्छा से कवरअप करें, उसके बाद ब्रेक लें, बीच में ब्रेक ना लें, ताकि फोकस बना रहे, अच्छा से आप कवरअप करें, पूरे फ्लो के साथ चलें और एग्जाम में आप इसी तरह अच्छा से परफॉर्म भी बिल्कुल कर पाएंगे। जितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है वो सारे क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करने के बाद लिया गया है। 2018 से रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता आया है, सारे क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि ये जो 1000 बेस्ट एमसीक्यू है, इसका जो बुकलेट एक बना के हमें दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने भी 4 महीने जो है इन्वेस्ट किया है। इस वजह से जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, ये 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू हमने बुकलेट बना दिया है और कम से कम रेट में लॉन्च किया है, सिर्फ 40 रुपीज में लॉन्च किया है, क्योंकि 4 महीने लगे हैं इसे बनाने में। इतना सारा एनालिसिस करने के बाद जो है इतने सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, इसी तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने जरूर मिलेगा। तो इस वजह से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो 4 महीने का मेहनत है ये बर्बाद नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हर एक स्टूडेंट जो भी आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है, प्लीज़ इस बुकलेट को जरूर ले लेना। इसका कॉस्ट 99 रुपीज़ हम रखने वाले थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट ले, इसी वजह से जो है इसका कॉस्ट सिर्फ 40 रुपीज़ रखा गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद जैसे आप 40 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना, सिर्फ जनरल साइंस नहीं, जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे के प्रीवियस पेपर को सारे को एनालिसिस करने के बाद जनरल अवेयरनेस के भी 1000 बेस्ट हमने एमसीक्यूज़ बना दिया है। ये 25 रुपीज़ में अवेलेबल है, इसे आप 25 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसका भी लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको क्लिक करना है लिंक में, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ही आप 25 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद जो है इस बुकलेट को बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में जो है ये फाइल भेजा जाएगा। अलग अलग लेने से बेहतर है कि एक साथ ही ले लें, 60 रुपीज पड़ेगा, अलग अलग लेंगे तो आप 65 रुपीज पड़ेगा। एक कॉम्बो लिंक भी दे दिया गया है, आपको 3 लिंक मिलेगा, पहला लिंक में जनरल साइंस का बेस्ट 1000 एमसीक्यूज, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का बेस्ट, और लास्ट वाला जो लिंक है ये कॉम्बो लिंक है। 60 रुपीज में आपको दोनों ही बुकलेट मिल जाएगा, और जब आप ये 1000 बेस्ट जनरल साइंस और 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि इसी तरह के जो है क्वेश्चंस जो है फ्रेम एग्जाम में भी किए जा रहे हैं। थोड़ा सा बुकलेट का सैंपल दिखा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि किस तरह डिजाइन किया गया, थोड़ा सा सैंपल अगर दिखा दिया जाए तो अच्छा होता। सैंपल देख लीजिए, कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है बुकलेट, अगर हम देखें क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे इस तरह मार्क जो है किया गया, तो इस तरह जो है हमने पूरा बुकलेट को डिजाइन किया, पूरा 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जनरल साइंस का, और जनरल अवेयरनेस का भी 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इस तरह जो है हमने डिजाइन किया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, एक ही रिक्वेस्ट है कि बुकलेट को जरूर ले लेना, बहुत अच्छे से मेहनत किया और कम से कम टाइम में आप जनरल साइंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और वीडियो को भी साथ में देखते रहना, बहुत अच्छे से हमने जो है यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवरअप किया है। अब चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयर प्रेशर इज यूजुअली हाईएस्ट व्हेन द एयर इज, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, कूल एंड मॉइस्ट। जब एयर कूल हो साथ में इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो, तो इसके वजह से क्या होता है, एयर का जो डेंसिटी है ये इंक्रीज हो जाता है, और एयर का जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है तो ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये और ज्यादा नीचे जो है ये आ जाता है, जिसके वजह से एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो एयर प्रेशर जो है ये हाईएस्ट कब होता है, जब एयर कूल और मॉइस्ट हो तब। इफ वी बाई आई इज कॉन्स्टेंट इट इज कॉल्ड, तो सिंपल ओम्स लॉ है, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज है ना वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, खास करके रेलवे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करता है फ्रॉम ओम्स लॉ, इसीलिए इस वीडियो में भी आपको काफी सारे ओम्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो वी बाई आई जो होता है ये इक्वल्स टू आर होता है, या फिर कह सकते हैं वोल्टेज बाई करंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, तो ये कॉन्स्टेंट जो होता है ये होता है रेजिस्टेंस। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए दो वाल हैं, उनके बीच हम क्या करते हैं, थ्रेड से बांध देते हैं एक फ्रेम को और टांग देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इसमें एक नेल फिक्स किया जाए, कि हम कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी फोर्स हम इसमें अप्लाइड करेंगे इसके वजह से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेम क्योंकि बीच में टंगा हुआ है तो हम इसे फोर्स अप्लाइड करें तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके रिएक्शन की वजह से, और हम ये नेल जो है यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके जगह हम फ्रेम को जो है किसी तरह जो है दीवार के साथ जो है ये लगा के रखते हैं, और अब हम कोशिश करते हैं इसमें कोई नेल जो है फिक्स करने का, तब ये पॉसिबल है, तब हम कर सकते हैं। या फिर हम ग्राउंड में इस फ्रेम को रख देते हैं और तब हम कोशिश करते
करते हैं, नेल को फिक्स करने का अगर कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम है, इसमें अगर हम नेल फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। एमंग द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट एंट्रॉपी, तो इनमें से किसका एंट्रॉपी सबसे ज्यादा है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, स्टीम। अगर हम कंपेयर करें आइस वाटर स्टीम, तो इनमें से स्टीम का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। एंट्रोपी ऑफ स्टीम इज मोर बिकॉज ऑफ ग्रेटर रैंडमनेस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन गैसीय स्टेट रेदर देन लिक्विड स्टेट, इस वजह से जो है स्टीम का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद डैश स्पीड, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, यूनिफॉर्म स्पीड। इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसे क्या कहेंगे, कौन सा स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड हम इसे कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, फोर्स। फोर्स कभी भी सिंगली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, रादर हम कह सकते हैं फोर्स इज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज डैश फोर्स। देखिए पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था, जैसे अगर हम देखें तो 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला 4 पार्ट में लाइफ साइंस का बेस्ट क्वेश्चन हमने कवर अप किया है, पार्ट 5 से जो है हमने फिजिक्स का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करना शुरू किया है। अब पार्ट 5 का से लेके पार्ट 6 ही हो गया, तो अब फिजिक्स का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करेंगे, फिर केमिस्ट्री का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि मस्कुलर फोर्स जो होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसी तरह जो मैग्नेटिक फोर्स होता है या फिर फोर्स जो एग्जर्ट किया जाता है मैग्नेट के द्वारा, ये बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लेलिस्ट में पूरे 10 के 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देख लें। साथ में जो है बुकलेट भी आप जरूर खरीद लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इन दोनों को जब अच्छा से आप एनालिसिस करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने जो है यहाँ पे कवर अप किया है। एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरह के ही क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन में रिटर्न आते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें आयरन के कंटेक्ट में बिना आए मैग्नेट जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, इसमें जो है ये फोर्स जो है लगा सकता है, जिसके वजह से जो है ये अपने तरफ जो है आयरन को खींच सकता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट जो है ये फोर्स होता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल डेफिनेशन, कंफ्यूज नहीं होना, रेलवे बार बार पूछता है, सिंपल डेफिनेशन से बार बार जो है ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। द मेजर ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो मेजर ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, इट्स मास। अगर हम देखें तो इनर्सिया क्या है, अगर हम देखें मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया बॉडी, ये बेसिकली सिंपल डेफिनेशन। तो मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज ए प्रिंसिपल बिहाइंड, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, सिनेमा। सिनेमा हॉल में बेसिकली ये फेनोमेना जो है आपको देखने मिलता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ फेनोमेना को। फेनोमेना ऑफ एन आई बाय व्हिच एन इमेज इज थॉट टू परसिस्ट फॉर अबाउट 25th पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑन रेटिना आफ्टर द एक्चुअल इमेज इज फॉर्म, तो इसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बेसिकली कहते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन विच डायरेक्शन, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम देखें कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होते हैं ये हरदम अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के और जो है ये अलाइन रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ जो है ये जो है लार्ज मैग्नेट की तरह जो है ये बिहेव करता है, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक साउथ पोल होते हैं ऑफ अर्थ अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। इसी वजह से जो है हरदम मैग्नेट जो है ये नॉर्थ टू साउथ जो है ये अलाइन रहते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है कितना होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, 20 डिग्री सेल्सियस। ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जो है ये रॉकेट बेसिकली काम करता है, इस प्रिंसिपल पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता है। जैसे रॉकेट जो है ये मोमेंटम कैसे गेन करता है, रॉकेट गेट्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप देख रहे हैं रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो जो भी गैस यहाँ से एक्सपेल्ड हो रहा है ये बेसिकली जो है इसको मोमेंटम जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे जो है ये रॉकेट काम करता है। 1 joule ऑफ एनर्जी पर 1 second इज, तो 1 joule ऑफ एनर्जी पर 1 second इज बेसिकली 1 watt। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, सिंपल ये डेफिनेशन है। 1 joule ऑफ एनर्जी इक्वल पर सेकेंड जो है इसे बेसिकली वाट कहा जाता है। 1 joule ऑफ एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ट्रिपल काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम देखें मोमेंटम जो है पी से डिनोट किया जाता है, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे लास्ट की ओर, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी कवर अप करना इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ये होता है एम बी स्क्वायर
ठीक है, एम बी स्क्वायर बाय 2m होता है। तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर के जगह में हम डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंटम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि एम बी इक्वल क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है, तो मोमेंटम स्क्वायर बाय यहाँ पे कर सकते हैं 2m। अब क्या कहा गया है, अगर यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द बॉडी ट्रिपल कर दिया जाए, तो यहाँ पे अगर हम 3p स्क्वायर कर दें, ठीक है, बाय 2m कर देते हैं, मोमेंटम को अगर ट्रिपल कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9p हो जाएगा ये बाय 2m, तो 9 टाइम हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम हो जाएगा, ये 9 टाइम हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, 9 टाइम द ओरिजिनल वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ये हो जाएगा। अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। तो कौन सा कन्वेंशनल यूनिट बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, क्यूरी। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना, काफी बार इसका एसआई यूनिट भी पूछा गया है। तो क्यूरी का जो एसआई यूनिट है ये है बैक्यूरियल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है बीक्यू जो है लिखा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हुए हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। A swimmer pushes the water backward by his hand and in return the water pushes the swimmer forward is example of। Simple सा question है, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल, न्यूटन्स थर्ड लॉ का अगर हम देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड जो है ये एग्जाम्पल है। तो स्विमर क्या करता है, ये वाटर को जो है पीछे के और जो है ये पुश करता है, जिसके वजह से क्या करता है, वाटर इसे जो है फॉरवर्ड मूव करने में जो है ये मदद करता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये एग्जाम्पल है। मल्टीपल इकोज एराइज ड्यू टू मल्टीपल, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो है ये मल्टीपल इकोज जो है ये हमें सुनाई देता है, और रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को जो है ये रिवर्बरेशन कहा जाता है, रिवर्बरेशन जो है ये कहा जाता है। नोट डाउन कर सकते हैं, reverberation रिवर्बरेशन इसे कहा जाता है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड, तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्पेरिकल मिरर को क्या कहा जाता है, इसे अपर्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल नोट डाउन कर लें। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी होता है। टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट, तो एक डिस्टिंक्ट इको को सुनने के लिए जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है इसके बीच एटलीस्ट कितना समय का जो है ये डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर ड्यू टू, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो है ये करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, देखिए नोट के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 में, जो फिजिक्स का हमने बेस्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कवर अप किया था उसमें हमने नोट डिस्कस किया था। नोट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी होता है। उसी तरह ये साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, इसे जो है टोन कहा जाता है। नोट हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 में, तो सारे पार्ट्स को बिल्कुल देखें, हर एक पार्ट जो है ये इंटर रिलेटेड है। पार्ट 5 अगर आपने नहीं देखा है तो ये जरूर देख ले, अगर लाइफ साइंस का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करना है तो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देख ले, उसके बाद पार्ट 7 से लेके पार्ट 10 तक जो है ये केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ड्रॉपलेट्स इफेक्ट इज रिलेटेड टू चेंज इन डैश ऑफ साउंड, तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी। ड्रॉपलर इफेक्ट जो है ये दोनों लाइट और साउंड पे काम करता है, ये भी बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें, कभी कभी ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ड्रॉपलर इफेक्ट का एक एग्जांपल जैसे लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ड्रॉपलर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए एक एम्बुलेंस है, वो आपके पास जितना आएगा उतना ज़्यादा आपको उसका साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, और आपसे जितना ज़्यादा वो दूर चला जाता होगा उतना ज़्यादा कम आपको साउंड यहाँ पे सुनाई देगा। क्यों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है ये जितना दूर जाते जाता है ये ऑब्जेक्ट, इस वजह से जो है ये कम होता है। तो ड्रॉपलर इफेक्ट जो है इस वजह से जो है ये ड्रॉपलर इफेक्ट जो है ये दोनों पे काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, लाइट और साउंड दोनों ऑब्जेक्ट पे ये काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Which is correct? तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला बेसिकली करेक्ट है ये यहाँ पे जो है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ये है वर्क इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने आपको मिल सकता है एग्जाम में, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ये होता है, ये बेसिकली करेक्ट यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड करेंट विल बी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को अगर हम डबल कर देंगे तो करेंट क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू जो होगा ये होगा V बाई R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। मान लीजिए 2R अगर हम कर देते हैं, तो इसे हम अलग करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाई टू V बाई R।
तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर वन, हाफ। इस तरह कंडीशनल क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला भी आपको याद है ना तो भी आप आराम से जो है यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव, इनमें से कौन सा नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन, मास। तो इसका सही जवाब है ये है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैन बी नेगेटिव, एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो का एग्जांपल है कांस्टेंट स्पीड में अगर स्ट्रेट लाइन में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन विल बी जीरो, तो इसे जो है एक्सीलरेशन कह सकते हैं जीरो होगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर थ्री, एक्सीलरेशन। याद रखना एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन इवन बी जीरो। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हम देखें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम देखें ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल्स टू आई आर कहता है, वी इक्वल्स टू आई आर, इसीलिए ओम्स लॉ से हमने क्वेश्चन कवर अप किया है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, तो बोथ करंट एंड रेजिस्टेंस का जो है ये प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन मून एज कम्पेयर टू अर्थ विल बी, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर वन, इंक्रीज। ये ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे बेसिकली स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। स्मॉल जी का वैल्यू जो मून में है ये 1/6 ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, और क्या यहाँ पे हमने पहले कहा था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बेसिकली स्मॉल जी होता है, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π रूट अंडर एल बाय जी स्मॉल जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो जी का वैल्यू होता है ये 1/6 होता है एज कंपेरिजन टू जो है अर्थ में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो वैल्यू होगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये एज कम्पेयर टू अर्थ अगर हम देखें मून में क्या होगा ये वैल्यू ज़्यादा जो है ये बड़ा होगा, जिसके वजह से जो है यहाँ पे टाइम पीरियड ऑब्वियसली जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साउंड विद फ्रिक्वेंसी 20 Hz टू 20 kHz अननोन एज, तो इस बेसिकली रेंज ऑफ साउंड को बेसिकली कौन सा साउंड कहा जाता है, इसे बेसिकली ऑडिबल रेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट, काफी बार क्वेश्चन बना है या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऑडिबल रेंज कौन सा है, तो ध्यान रखना 20 Hz टू 20 kHz जो है ये बेसिकली ऑडिबल रेंज में आता है। बाकी सारे भी आपको देखना है कि अल्ट्रासोनिक जो है, इसके अलावा जो यहाँ पे इंफ्रासोनिक, इनका सबका रेंज आपको बिल्कुल देख के जाना है। लेंस इज मेड अप ऑफ विच ग्लासेस, तो लेंस बेसिकली कौन से ग्लासेस से बनाए गए होते हैं, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर थ्री, फ्लिंट ग्लासेस। ये फ्लिंट ग्लासेस से बनाए हुए होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल ग्लासेस, नोट डाउन कर लें, इन्हें ऑप्टिकल ग्लास के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दे हैव हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इस वजह से जो है लेंस जो है इन्हें फ्लिंट ग्लास या फिर ऑप्टिकल ग्लास से बनाया जाता है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट विच रेज, तो सारे जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं ये कौन से रेज बेसिकली इमिट करते हैं, तो इसका जो सही जवाब है ये है इंफ्रारेड रेज जो है ये इमिट करते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। द फोर्स दैट कीप ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, तो कौन सा फोर्स बेसिकली एक पर्टिकुलर बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखता है, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर वन, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है एक पर्टिकुलर बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन में जो है ये मूव करता है। एग्जांपल एक अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल देखें, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक में अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा इनवर्ट झुके हुए होते हैं, तो इस फोर्स को बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो इसी के वजह से जो है एक बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन में जो है ये रहता है। व्हेन टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज, तो दो इक्वल फोर्सेस हैं एक्ट कर रहे हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसे बेसिकली क्या कहा जाएगा, इसे बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली जो है ये कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है एक पर्टिकुलर बॉडी में। मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस तरफ से भी 9 N का फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ से भी 9 N का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे जो है बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली कहा जाएगा। ए लेमन इन ए ग्लास ऑफ वाटर अपीयर बिगर देन एक्चुअल साइज इज ड्यू टू, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छा से आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें आप एक लेमन को छोड़ देते हैं, तो और फिर आप जब इसे साइड से देखते हैं तो उसका साइज जो है जो एक्चुअल लेमन का साइज है उससे बड़ा दिखाई देने लगता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि लाइट जो है जब ये एयर से वाटर में ट्रेवल करता है तो एयर जो है रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो ये क्या होता है लाइट ये नॉर्मल की ओर जो है और ज़्यादा बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है डाइवर्जिंग इमेज फॉर्म होता है और लेमन जो है ये आपको बड़ा दिखाई देने लगता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज नोन एज। देखिए सिंपल डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस को अच्छा से जो है प्रिपेयर कर ले, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो लाइफ साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, डेफिनेशन से डायरेक्टली रेलवे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू, तो स्नेल्स लॉ जो है किससे रिलेटेड है, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, रिफ्रैक्शन, सरफेस टेंशन। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर थ्री, ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और किसका किसका रिलेशन ये जो है स्नेल्स लॉ के थ्रू जो है ये प्रोवाइड करता है, तो रिलेशन जो है ये इंसिडेंस एंगल, अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू यू होता है, जो कि बेसिकली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो स्नेल लॉ जो है किससे रिलेटेड है, ये रिफ्रैक्शन से ये रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ये रिलेटेड है। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है किसका रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल्स टू होता क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ये जो है पोजीशन एंड टाइम का जो है ये रिलेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको अच्छा से प्रिपेयर कर लेना, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से आपको आगे चल के एग्जाम में देखने बिल्कुल मिल सकता है, तो इनका न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल ध्यान रखना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 25 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 6 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव। पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था, ये पार्ट 6 है, पार्ट 5 में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हम फिजिक्स के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप कर रहे थे। पार्ट 5 अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, और जिन्होंने देखा है उनको ये पता ही होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है इसे हम वी से डिनोट करते हैं, जो कि बेसिकली वेलोसिटी होता है, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू जो है ये वेवलेंथ होता है, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी हरदम हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, और वेवलेंथ जो है इसे बेसिकली हम अगर जो लैम्डा से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम मीटर में हरदम मेजर करते हैं। सेंटीमीटर में अगर दिया होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं और फिर आंसर नहीं आता। तो 25 इंटू 6 ये होता है 150 मीटर पर सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। आगे चल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर अप किया है, ये कुछ बीच बीच में न्यूमेरिकल्स रखा है ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा गया है। डायमंड हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर थ्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन करके रखना, 2.42 ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है। जब भी लाइट पास करता है इसे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करना पड़ता है, इसी वजह से डायमंड जो है ये बहुत ज़्यादा स्पार्कल करता है। द फेनोमेना एग्जिबिटेड बाय प्रिज्म व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू इट, तो ये आपको पता ही होगा, इसका जो सही जवाब है ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है ये कहा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स। प्रिज्म के थ्रू जब ये पास होता है तो ये बेसिकली जो है 7 डिफरेंट कलर्स में जो है ये डिवाइड हो जाता है, इसे कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसका जो सही आंसर है ये है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ जितना इंक्रीज करेंगे स्कैटर उतना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, लाइट उतना ज़्यादा स्कैटर जो है ये कम होगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये बेसिकली यहाँ पे रेलेक्स लॉ जो है यहाँ पे जो है लगता है, तो रेलेक्स लॉ जो है ये भी बिल्कुल पढ़ लेना, यहाँ से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द हाइएस्ट सरफेस पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोएस्ट पार्ट इज कॉल्ड, तो अगर हम एक वेव बनाएं, मान लीजिए एक लाइन है और यहाँ पे अगर हम वेव बनाएं, एक वेव अगर इस तरह का बनाए, तो इसका जो हाईएस्ट पार्ट है इसे क्रेस्ट कहा जाता है, इसका जो लोएस्ट पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रफ जो है ये कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है रिसेंटली बना था कोई एक एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है। किलो वाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, तो किलो वाट आवर जो है किसका यूनिट है, इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर टू, एनर्जी, ये एनर्जी का जो है ये यूनिट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये कॉम्पोजिट यूनिट है एनर्जी का, किलो वाट आवर, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, इवन और भी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। मास इज डैश क्वांटिटी एंड वेट इज डैश क्वांटिटी, देखिए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमने फ्रेम किया है। तो मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मास स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि मास का जो है मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, इस वजह से जो है मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। व्हाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील, तो जब भी बनाना पील पे हम पैर रखते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारा पैर स्किट हो जाता है या फिर हम यहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, ये किस वजह से होता है, क्योंकि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड सरफेस, ये जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है जिसके वजह से जो है हम यहाँ पे स्लिप हो जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, तो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना ही लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मान लीजिए ये डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ऐसे लाइट से और ऐसे। तो ये हो गया पोल सेंटर, ये वाला जो है पॉइंट हो गया पोल। इसके अलावा ये अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये पूछा जा रहा है ये क्या है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फोकल लेंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। कभी भी अगर एग्जाम में अगर कन्फ्यूज हो जाए ना तो इस तरह पहले डायग्राम बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो मतलब सिर्फ पढ़ते हैं फिर सोचते हैं क्या होगा नहीं पता छोड़ देते हैं। एक बार डायग्राम बना लेना, बहुत सिंपल है इस तरह क्वेश्चन जो है, इसीलिए रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा जो है इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे डायग्राम में डायरेक्ट देखें, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए इमेज देके तो सारे आंसर, सारे स्टूडेंट आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह वर्ड में कन्वर्ट करके पूछा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब है ये है फोकल लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन मिराज फॉर्मेशन, इनमें से किसके वजह से मिराज फॉर्मेशन होता है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर थ्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये कब होता है, जब लाइट पास करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होता है तब जो है ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और मिराज जो है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, खास करके डेजर्ट में देखा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मान लीजिए जो डेजर्ट का सैंड है ये बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में जो है गर्म हो जाता है, जिसके वजह से इसके ऊपर में जो एक एयर का लेयर होता है ये बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर जो बाकी जो एयर के लेयर होते हैं ये एज कंपेरिजन टू दिस लेयर ये थोड़ा सा कूल रहते हैं। तो यहाँ पे कूल जो रहता है जो एयर उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, जो हॉट एयर है उसका जो डेंसिटी जो है ये कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और मिराज यहाँ पे फॉर्म होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देके यहाँ पे एटमोस्फियरिक जो है रिफ्रैक्शन आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन भी इसका सही आंसर हो सकता है, साथ में नोट डाउन कर ले, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तभी जब लाइट पास करता है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पार्ट फाइव में भी हमने डिस्कस ये किया था। Which force act in the direction opposite to the motion of an object? तो इसका सही जवाब है यह है force of friction. Frictional force ये हरदम जो है direction of motion के opposite में जो है ये काम करता है। यहाँ पे एक example लेते हैं, मान लीजिए एक metal block है, एक metal block है, इस तरफ आप force लगा रहे हैं, ठीक है, तो frictional force किस तरफ लगेगा, frictional force जो है ठीक इसके opposite में जो है ये लगता है। और एक example लेते हैं, मान लेते हैं एक metal block है, ठीक है, अब आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इस तरफ जो है ये लगेगा। तो ये ध्यान रखना कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के, तो ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये काम करता है। विच विल प्रोड्यूस मोर हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, बोथ वन एंड टू विल प्रोड्यूस इक्वल हीट, कांट बी डिटरमाइंड। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर टू, स्टीम। स्टीम जो है ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर, क्यों, ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, या फिर कह सकते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, यहाँ पे ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा है और उसे लीड से फिर ढक दिया है, जब पानी खोलने लगता है फिर आप जब ये लीड को हटाते हैं या फिर ये ढक्कन को हटाते हैं तो क्या होता है, स्टीम के वजह से जो बर्न होता है इससे ज़्यादा जलन होता है आपको, रादर देन एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ये क्यों होता है, क्योंकि स्टीम जो है ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर टू, स्टीम। विच टाइप ऑफ लेंस इज ए नेचुरल लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में जो लेंस प्रेजेंट है ये बेसिकली कौन सा लेंस है, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर टू, कॉन्वेक्स लेंस, ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है। थीन ऑयल फिल्म ऑन वाटर सर्फेस अपियर्ड कलर्ड बिकॉज, इसका सही जवाब है यह है इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली बहुत आसान से क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है, तो ये इंटरफेरेंस की वजह से जो है ये आपको देखने मिलता है। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन ए डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड डैश ऑफ द वेव, तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ये है टाइम पीरियड, इसे टाइम पीरियड जो है ये कहा जाता है। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज करने के लिए जो है ये टर्म यूज किया गया, डेंसिटी ऑफ मीडियम, सिंपल है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए मीडियम जो है ये रख दिया गया है। ड्रैग इज द नेम गिवन टू फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय, तो ड्रैग जो है ये जो है बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है एग्जर्ट किया जाता है इसे जो है बेसिकली जो है हम ड्रैग कहते हैं। ड्रैग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी बिल्कुल आप बिल्कुल कह सकते हैं। और फ्लूइड में क्या क्या आते हैं, फ्लूइड में गैस आता है,
लिक्विड आता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो फ्लूइड में जो है इसको एक टर्म दिया गया है, गैस और लिक्विड का एक टर्म जो दिया गया है ये दिया गया है फ्लूइड, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इफ ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन दिस टाइम। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन दिस टाइम, ये पूछा गया है। सिंपल सा जो है इसका आंसर है, ये भी हमने शायद पार्ट 5 में डिस्कस किया था, इस तरह का न्यूमेरिकल, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है, क्यू से चार्ज को डिनोट किया जाता है, इक्वल टू आई इंटू टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में किया जाता है, और चार्ज जो है इसे कूलम में किया जाता है। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो यहाँ पे 2.5 दिया गया है इतना एम्पियर, ठीक है, और 10 मिनट्स दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे 10 मिनट्स दिया गया है, इंटू 60 कर देंगे तो ये 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इंटू 6 कर दे 60 कर देने से ये, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 600 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 कूलम्स जो है इसका सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1500 कूलम्स। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स बिल्कुल पूछे जाते हैं, बहुत आसान सा है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को देखते रहें, साथ में जो है अच्छा से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहें। व्हिच डिवाइस प्रेजेंट इन द हियरिंग एड रिसीव्स द साउंड। तो हियरिंग एड जो लगाया जाता है, अलग अलग जो पर्टिकुलर इंसान होता है जिनमें हियरिंग डिफेक्ट होता है, तो उसमें जो है हियरिंग एड में कौन सा बेसिकली इनमें से डिवाइस जो है ये रिसीव करता है साउंड। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है अगर हम देखें तो ये जो है क्या करता है, माइक्रोफोन रिसीव करता है साउंड को, फिर इसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ये बेसिकली कन्वर्ट कर देता है इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर जो है एम्पलीफायर को ये भेज देता है। एम्पलीफायर क्या करता है, इसे फिर और ज़्यादा जो है एम्पलीफाई करके इस सिग्नल को ये क्या करता है, इसे स्पीकर के थ्रू जो है ये ह्यूमन ईयर तक पहुँचा देता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोफोन। वट इज़ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ 2-4 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस तरह के सर्किट से भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, पैरेलल में कनेक्शन है, अगर सीरीज में होता तो ऐड कर देते, 4+4 8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पैरेलल में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, R रिक्वायर्ड हमें निकालना पड़ेगा, R रिक्वायर्ड 1/R1+1/R2, दो ही रजिस्टर है यहाँ पे, तीन होता तो 1+R3 कर देते, और दोनों रजिस्टर का वैल्यू कितना है 4 ओम्स है, अलग अलग होता तो अलग अलग वैल्यू देते, यहाँ पे तो 1/4+1/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4+1/4, ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर देके आ जाएंगे 0.5 ओम्स, गलत है, R required हमें निकालना है। R required यहाँ पे अगर हम देखें, R required equals to 1/2 है, तो R required ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये होगा इसका सही आंसर, होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 ohms जो है इसका ये सही जवाब है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उनको बिल्कुल देख लेना है आपको। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से कहा जो है डिनोट किया जाता है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, कुछ नहीं है, वोल्टेज को बस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे दिया जाता है। तो वी वाई आई इक्वल्स टू क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, बस टर्म को यहाँ पे चेंज करके दिया जाता है, इसीलिए जो है इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना पड़ता है। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, तो पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, इसे जो है ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान ग्राउंड पे खड़ा है, एक पत्थर को यहाँ से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट में फेंकता है, तो ये जो पाथ फॉलो किया गया प्रोजेक्टाइल के द्वारा, इसे ट्रैजेक्टरी जो है ये कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया वॉज गिवन बाय, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया जो है ये किनके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, गैलीलियो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया जो है ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑब्वियसली जो है ये इनर्सिया को डिफाइन करता है, लेकिन इसे गैलीलियो लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इनर्सिया का जो कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। कैंडला इज ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट के रिलेटेड कम क्वेश्चन को कवरअप किया है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसा देखने आपको मिल सकता है। तो कैंडला जो है ये किसका जो है ये ऐसा यूनिट है, उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है ये ऐसा यूनिट है। विच फोर्स इज एग्जर्टेड बाय एयर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू इट, तो कौन सा फोर्स जो है एग्जर्ट किया जाता है तो एयर के द्वारा जब ऑब्जेक्ट इसके थ्रू जो है पास हो रहा होता है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली जो है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, अभी हमने देखा था फ्लूइड के द्वारा जो स्पेशली जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है इसे हम ड्रैग कहते हैं या फिर ड्रैग फोर्स कहा जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर रॉकेट जो है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो एयर के द्वारा जो है यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है ये कौन सा है, ये ड्रैग फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है इसके ऑपोजिट में, ठीक है, इसके ऑपोजिट में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में जो फोर्स लगाया जाता है ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे एयर के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है ये है फ्रिक्शनल फोर्स। इफ रेजिस्टेंस अक्रॉस कंडक्टर इज हाफ्ड, व्हाट इज हैपेंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
तो क्या होगा बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल है, ये भी ओम्स लॉ के रिलेटेड है। क्वेश्चन कवर भी इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, एंड आई इक्वल्स टू वी वाई आर जो है ये होता है। क्या पूछा गया है, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हाफ कर दिया जाए, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं ऐसे वी बाई टू आर, या फिर लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू 1/2 वी बाई आर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट जो है ये हाफ हो जाएगा। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, गेट हाफ। व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेंस इज मोस्ट पावरफुल, इनमें से कौन सा लेंस जो है ये सबसे पावरफुल है, ये पूछा गया है। तो पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जिसका सबसे कम है वो लेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। सबसे कम किसका है, अगर हम ऑप्शन में देखें तो सबसे कम किसका है, ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस विथ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लीजिए अगर निकालना भी होगा तो 1/0.25 मीटर होगा, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, 0.25 मीटर, 25 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 डायप्टर। तो 4 डायप्टर जो है ये पावर है इसका, ठीक है, बाकी सबका जो है इनमें से कम होगा क्योंकि ये सारे वैल्यू जो है इससे बड़े हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, फोकल लेंथ जिसका जितना कम होगा वो लेंस उतना ज़्यादा जो है ये पावरफुल होगा। पावर ऑफ लेंस इज -33 डायप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज इट इज, तो ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस है। तो देखिए अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो, पावर नेगेटिव हो, ठीक है, कोई भी इनमें से नेगेटिव हो, तो ये है कॉनकेव लेंस। सिंपल आपको ध्यान रखना है, पावर नेगेटिव हो या फोकल लेंथ नेगेटिव हो, ये सिंपली अगर हम देखें तो ये जो है ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है कॉनकेव लेंस। और ठीक इसका ऑपोजिट, पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, तो ये होगा कॉन्वेक्स लेंस। दोनों अलग अलग आप नोट डाउन जरूर कर लें। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल स्प्रिंग, तो कॉइल स्प्रिंग में जो है कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 9 का जो है ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो है स्टोर रहता है। मान लीजिए स्प्रिंग है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम जो है कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, फिर जो है ये अपने शेप में जो है ये बाद में रिवर्ट बैक हो जाता है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है ये कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें स्टोर्ड रहता है। ड्यू टू विच फोर्स डज द मून मूव अराउंड द अर्थ इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, इसका जो सही जवाब है ये है सेंट्रिपिटल फोर्स। ये सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से होता है, अर्थ ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप द मून ऑर्बिटिंग, सिमिलरली सन ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो उसका सही जवाब है यह है सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से जो है ये होता है। व्हाई डू टायर्स ऑफ व्हीकल हैव थ्रेड इन देम, तो टायर्स ऑफ जो व्हीकल्स होते हैं इसमें छोटे छोटे जो है थ्रेड्स क्यों बनाए जाते हैं, इसमें थ्रेड्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन जो है टायर और रोड के बीच में जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके। और यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होने से जो है फायदा है, अगर फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, गाड़ी जो है ये स्लिप होगा, स्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे टायर्स पे जो है ये थ्रेड जो है ये बनाए जाते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ सनलाइट व्हेन स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, ब्लू। इसका सनलाइट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, जिसकी वजह से जो है स्काई भी आपको ब्लू दिखने लगता है। और ये किस लिए होता है, क्योंकि ब्लू जो कलर है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होता है, इसी वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये स्कैटर होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, रिलेक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। द एपर्चर ऑफ आई इज नोन एज, तो एपर्चर ऑफ आई किसे कहा जाता है, तो पिपल जो है इसे एपर्चर ऑफ आई कहा जाता है, और ये सेंटर ऑफ आई में जो है ये प्रेजेंट होता है। व्हाट इज रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल ऑफ बिग हॉल दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल, तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, रिवर्वरेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस या फिर रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है इसे रिवर्वरेशन जो है ये कहा जाता है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 6 कूलम्स ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। ये वाला भी न्यूमेरिकल इस तरह का हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 में। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, वोल्टेज को वी से डिनोट किया जाता है। चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, 6 कूलम, वोल्टेज जो है वी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे वी से डिनोट किया जाता है जो कि 18 वोल्ट है। तो वर्क डन जो है इसे जूल में किया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 18 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 108 जूल्स जो है इसका सही आंसर होगा, 108 जूल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 108 जूल्स। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का और एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे भी लिया है। 95 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 5 कूलम्स ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सेम फॉर्मूला ही आपको लगाना, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज होता है। यहाँ पे क्या निकालने बोला गया है आपको, यहाँ पे आपको वोल्टेज निकालने बोला गया है, डब्ल्यू बाई क्यू ये हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज कितना हो जाएगा, 95 डिवाइडेड बाय 5,
95 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 19, तो टोटल कितना हो जाएगा 19 वोल्ट्स इसका सही आंसर होगा। इस तरह के छोटे छोटे जो है फॉर्मूला को याद रखें, आगे चलकर और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली 10 न्यूमेरिकल आपके लिए रखा गया है लास्ट में, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहें। व्हाट इज द थ्रस्ट पर एरिया इज कॉल्ड, तो थ्रस्ट पर एरिया जो है इसे क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट पर एरिया जो है ये होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई एवरी रेन ड्रॉप्स इन एटमोसफेयर एक्ट्स लाइक, तो ऑब्वियसली रेनबो जो फॉर्म होता है, लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर में स्कैटर हो जाता है, तो यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स होंगे ये ऑब्वियसली जो है ये प्रिज्म की तरह जो है ये काम करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है इसी के वजह से जो है ये होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, रेन ड्रॉप्स जो है ये प्रिज्म की तरफ जो है ये काम करते हैं। हु डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, किनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, तो ये जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था। हाउ ए वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर हरदम पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एम मीटर हरदम सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, नोट डाउन करें, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर वोल्टेज, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 पैरेलल, ठीक है। विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो कौन सा जो है बेसिकली लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है ये देता है, तो इसका सही जवाब है यह है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ इजिकल टू एफ इंटू ए मास इंटू एसलेशन, ठीक है, एफ इजिकल टू एम इंटू ए, रियली सॉरी एफ इजिकल टू, यहाँ पे नोट डाउन कर लें, एफ इजिकल टू एम इंटू ए मास इंटू एसलेशन जो है ये होता है, एम इंटू ए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। विच ऑफ द टू कलर ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म द एक्सट्रीमीज, तो कौन से दो कलर जो है ये एक्सट्रीमीज जो है ये फॉर्म करते हैं ये पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ये है वायलेट एंड रेड। व्हाइट लाइट कंप्राइज ऑफ विव्योर, अगर हम देखें 7 डिफरेंट कलर का होता है, तो दो एक्सट्रीमीज देखे तो इस एक्सट्रीम में देखे तो वायलेट होता है विव्योर का वी सबसे पहले और लास्ट में क्या होता है आर होता है, ठीक है, रेड, तो दो एक्सट्रीमीज कौन कौन से हैं, ये है वायलेट एंड रेड, ये बिल्कुल ध्यान रखना। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट किया गया, कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा घुमा के ही पूछा गया है, दो एक्सट्रीमीज जो है ये है वायलेट एंड रेड, विव्योर में अगर देखें वी से स्टार्ट हो रहा है आर से जो है खत्म हो रहा है, तो दो एक्सट्रीमीज हो गए वी एंड आर। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये एम्पेयर पर मीटर जो है ये होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कैनल रे इज ए बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस न्यूट्रल आयंस नन ऑफ दिस, तो कैनल रे बेसिकली कैनल रे जो है एनोड रेज ही होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव आयंस जो है ये होते हैं, ये पॉजिटिव आयंस जो है ये कैरी करते हैं। ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या स्टोर करता है, तो कैपेसिटर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये स्टोर करता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट भी क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है इस वीडियो में भी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा, आगे चल के एक क्वेश्चन आपके लिए भी हमने फ्रेम किया है, उसका भी सही जवाब आपको देना है। फैथम इज ए यूनिट ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 लेंथ, फैथम किसका यूनिट है, ये लेंथ का जो है ये यूनिट है। डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इसे क्या कहा जाता है, वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, मास जो है ये एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी होता है, तो वेट जो है इसका सही जवाब है, वेट इज द मेजरमेंट ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। वन पार्सेक इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर, तो वन पार्सेक जो है इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है, तो इसका सही जवाब है ये है 3.26 लाइट ईयर, तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 2 3.26 लाइट ईयर होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल मे बी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी जो है ये ओम मीटर में जो है इसे मेजर किया जाता है। मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होते हैं ये किस वजह से जो है क्रिएट होते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो है ये क्रिएट होते हैं, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। स्पीड ऑफ साउंड डैश विल डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। एंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि एयर का डेंसिटी ऑब्वियसली जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे साउंड को जो है ट्रैवल करने में दिक्कत होगा, जो एयर का डेंसिटी अगर कम होगा तो साउंड जो है यहाँ पे और ज्यादा जो है स्पीड से ट्रैवल करेगा, इस वजह से ये होता है। एंडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन काफी बार बना है रेलवे के एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना। तो एंडोस्कोप इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंडोस्कोप में अगर हम देखें तो बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो कि बेसिकली इमेज ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं, सो एंडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
इन पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर आर केप्ट। तो पेरिस्कोप में अगर आप देखें, यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं लिया लेकिन एक बार इंटरनेट में जरूर डायग्राम देख लेना या बुक में जरूर देख लेना। तो पेरिस्कोप में जो दो प्लेन मिरर लगाए जाते हैं या फिर मल्टीपल प्लेन मिरर भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल ऑफ पेरिस्कोप ये है, ठीक है। तो ये जो प्लेन मिरर जो एडजस्ट किए जाते हैं ये पैरेलल टू ईच अदर जो है ये एडजस्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। अभी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, जैसे हमने प्रीवियसली कहा था कि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, इसका सही जवाब आपको देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन इस बार आपके लिए छोड़ा गया है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल साथ में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी डिटेल में पढ़ के जाना है। अब हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ 0.45 क्यूबिक मीटर ऑफ इट हैज मास ऑफ 200 ग्राम। तो पार्ट फाइव में भी हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला आपको बताया था, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, ठीक है, डिनोट करते हैं पी से। डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालना है, ये इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम, नोट डाउन कर लें, ठीक है। मास केजी में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब में जो है मेजर करते हैं। तो मास जो है ये केजी में किया जाता है, दिया किस में गया है, ग्राम में दिया गया है। तो 200 ग्राम को केजी में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 जो है ये केजी हो जाएगा, ठीक है। तो 0.2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 0.45, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.44 केजी पर मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। डिवाइड करके बिल्कुल यहाँ पे जरूर देख लेना, यहाँ पे फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करते हैं, बाकी आप खुद से जो है यहाँ पे पुट करके यहाँ पे जरूर देख लेना, आंसर जरूर आ जाएगा क्योंकि मैथ भी ऑब्वियसली पूछा जाएगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रखा है तो ऑब्वियसली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ फॉर्मूला जाना इंपॉर्टेंट है। ये मेटल बॉल हैज़ ए मास ऑफ 300 ग्राम, कैलकुलेट इट्स वेट ऑन अर्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, नोट डाउन करें, वेट इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये स्मॉल जी ही है, ठीक है, ये आपको कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। और यहाँ पे आपको क्या निकालने गया है, पूछा गया है कि क्या निकालना है, तो वेट निकालना है, वेट ऑन अर्थ। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, स्मॉल जी जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे मास किस में हम जो है ये करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, इसमें दिया गया 300 ग्राम है तो 0.3 ये केजी हो जाएगा इंटू 9.8, तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो सही आंसर है ये है 2.94 न्यूटन जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 2.94 न्यूटन जो है ये होगा। ये कार हैज़ ए मास ऑफ 7500 केजी, इट ट्रेवल ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द कार। तो मोमेंटम ऑफ द कार जो है यहाँ पे मेजर करना है, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, नोट डाउन करें, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास केजी में मेजर किया जाता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, दोनों दिया गया है, ये केजी में दिया गया है, ऑब्वियसली मोमेंटम निकालना है तो 7500 इंटू 25 मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम मोमेंटम जरूर जो है ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर हम ये मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसका सही जवाब होगा ये होगा ये वाला, ठीक है, 187500 केजी मीटर पर सेकंड ईस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि ये ट्रेवल कर रहा है ईस्ट में, ठीक है, इसी वजह से ईस्ट ये सही जवाब होगा। तो जरूर इसे कैलकुलेट भी कर लेना, कैलकुलेट करना आपका काम है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करना है, फॉर्मूला क्या है ये हम आपको बताएंगे। एंड आइस स्केटर हैज़ ए मोमेंटम ऑफ 900 केजी मीटर पर सेकंड एंड हैज़ ए मास ऑफ 600 ग्राम, कैलकुलेट द स्पीड, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमने अभी क्या डिस्कस किया था, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम को भी पी से ही डिनोट किया जाता है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे मोमेंटम दे दिया गया है, 900 दे दिया गया है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मास भी दे दिया गया है, 60 केजी दे दिया गया है, केजी में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी निकालना है, सिंपल है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 60 यहाँ पे कर देंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये क्या आएगा, इसका जो सही आंसर होगा अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड जो है इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, एक बार डिवाइड करके जरूर देख लेना, 50 मीटर पर सेकंड जो है इसका ये सही आंसर होगा। कैलकुलेट द टाइम पीरियड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 5 हर्ट्ज़, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो क्या निकालना है यहाँ पे हमें, टाइम पीरियड ही तो निकालना है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f होता है, कितना दिया गया 5 हर्ट्ज, 1/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 सेकंड जो है ये हो जाएगा, ठीक है, 0.2 सेकंड इसका सही आंसर ये होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव दैट हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 2 मीटर, इस तरह का न्यूमेरिकल अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, स्पीड ऑफ द वेव वी से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ये होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज़ दे दिया गया है, वेवलेंथ मीटर में मेजर करते हैं हम, 2 मीटर दे दिया गया है, तो स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, ये होगा 50 मीटर पर सेकंड जो है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसी तरह का और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट हैज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 4 मीटर,
तो स्पीड ऑफ द वेव वी से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, ये होता है ठीक है वेवलेंथ जो होता है बेसिकली। तो स्पीड ऑफ द वेव दिया गया 20, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ कितना दिया गया 4 मीटर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 20/4 हो जाएगा, जो कि बेसिकली क्या होगा, होगा 5 हर्ट्ज का सही आंसर होगा। 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू 0.5 मीटर वायर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल इन 0.8 मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ क्या फॉर्मूला लगे, नोट डाउन करें, फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे बेसिकली टेस्ला में मेजर किया जाता है, इनटू करंट, जिसे बेसिकली एम्पियर मेजर किया जाता है, इनटू लेंथ, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इस तरह का अगर यहाँ पे फोर्स पूछा जाए, तो फोर्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू करंट इनटू लेंथ, बिल्कुल ये आप ध्यान रखें ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट किया जाता है ठीक है, इनटू करंट जिसे आई से डिनोट किया जाता है, इनटू लेंथ ये होता है जिसे एल से डिनोट किया जाता है। सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0.8 टेस्ला दिया गया, तो 0.8 यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। करंट कितना दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया है 0.5 मीटर ये दिया गया है, 0.5 मीटर ये दिया गया है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 जो है न्यूटन, ये इतना फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.8 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला को बिल्कुल नोट डाउन जरूर कर लें। एन ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर टॉल फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 250 सेंटीमीटर टॉल, कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कैलकुलेट करने जो है कहा जा रहा है, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये होता है, तो 250 सेंटीमीटर बाय 2 तो ये हो जाएगा 125 जो है ये इसका सही आंसर होगा। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता ठीक है, तो नोट डाउन कर ले, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये होता है। एन ऑब्जेक्ट 1.8 मीटर टॉल फॉर्म एन इमेज ऑफ 18 सेंटीमीटर टॉल, कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन अगेन जो है कैलकुलेट आपको करना है, तो यहाँ पे सेम यूनिट में हरदम कन्वर्ट कर देना, जैसे ये 18 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है ना यहाँ पे, तो ये मीटर में दिया गया, सेम यूनिट में कन्वर्ट आपको कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर हम 18 को कन्वर्ट करें इंटू सेंटीमीटर, 1.8 मीटर को दिया, अगर हम कन्वर्ट करें अगर हम सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.8 × 100 जो कि बेसिकली क्या होगा, ये होगा 180 जो है ये सेंटीमीटर होगा। तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 18/180, तो ये होगा 0.1। तो 0.1 अगर हम देखें तो ये डिमिनिस्ड जो है मैग्नीफिकेशन, अगर हम देखें ये डिमिनिस्ड है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 0.1। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट ये होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।